सब्सक्राइब कीजिए टेक गाय चैनल को और बाजू में जो बेल आइकन होता है उसको दबाइए लेटेस्ट और नए वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हे व्हाट्स अप गाइस, आई एम पूजन और आज के ये वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैसे आप सेंड कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स या फिर कोई भी रिलेटिव या फिर कोई भी आदमी को APK ऐप फाइल, वो भी व्हाट्सअप पे। अब दोस्तों आप ये सुन के पहले ये सोच लेंगे कि ये फेक वीडियो है, पर दोस्तों ये फेक वीडियो बिल्कुल नहीं है, इसकी एक ट्रिक है गाइस, उसके पीछे एक ट्रिक है और दोस्तों ये ट्रिक मैं आपको आज बताने वाला हूँ। जबकि आप ऐप ऐसे सेंड नहीं कर सकते, पर जो ट्रिक है वो दोस्तों उसको आप देखेंगे तो दोस्तों आपको पता चलेगा कि आप ऐप कैसे सेंड कर सकते हो। और दोस्तों आज से अब रेगुलर वीडियोस आ गई है गाइस, आ जाएगी मतलब दोस्तों, क्योंकि मेरी एग्जाम आज खत्म हो गई है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना और उसके बाजू में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा देना। उसको दबाने से क्या होगा कि आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी गाइस। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना है और वहां पे आपको एक ऐप सर्च करनी है जो मोस्ट ऑफ लोगों को पता होगी, जिसका नाम है दोस्तों ES फाइल एक्सप्लोरर। अब आप में से बहुत सारे लोगों के पास ये ऐप होगी, पर दोस्तों ये जिसके पास नहीं है दोस्तों ये डाउनलोड कर ले। अगर ये डाउनलोड आपने नहीं किया तो आप अपनी फाइल सेंड नहीं कर पाएंगे गाइस। देख सकते हैं ये वाली फाइल, सॉरी ये वाली ES फाइल एक्सप्लोरर आपको ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। फिर दोस्तों आपको ES फाइल एक्सप्लोरर में जाना है और सब कुछ आपको कॉन्फिगर कर लेना है। फिर दोस्तों ऐसे आपके पास कुछ आएगी तो आपको ये देख सकते हैं डाउनलोडर डॉक्यूमेंट्स नेटवर्क रिसाइकल बिन, उसमें नीचे एक एरो मिल जाएगा गाइस, उस पर आपको क्लिक करना है और नीचे देख सकते हैं ऐप लिखा हुआ है, ऐप देख सकते हैं ये वाला, तो उस पर आपको क्लिक करना है और आपको जो भी ऐप चाहिए मतलब दोस्तों जो आप अपने फ्रेंड को सेंड करना चाहते हैं दोस्तों वो ऐप को आपको चूज कर लेना है गाइस। लाइक मैं अभी एक परफिन ब्राउजर है दोस्तों मेरे पास, उसको मैं सेंड करना चाहता हूँ, तो मैं पहले वो सर्च कर देता हूँ गाइस कि मेरे पास वो कहाँ पर है गाइस। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, ये रहा पफिन, देख सकते हैं ये पफिन ब्राउजर यहाँ पे, बताओ आपको जो भी ऐप चाहिए उसको आपको ढूंढ लेना है। फिर दोस्तों उस पर आपको एक लॉन्ग क्लिक करे रखना है, फिर ऐसे सिलेक्ट हो जाएगी, देख सकते हैं उस ऐप को आपको सिलेक्ट कर लेना है जो ऐप आप सेंड करना चाहते हैं। फिर नीचे से थर्ड ऑप्शन दोस्तों बैकअप का एक आप ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों, उस पर आपको बैकअप पर क्लिक करना है और फिर दोस्तों ये देख सकते हैं नीचे आ जाएगा बैकअप एप्लीकेशन और वो बैकअप हो गई है गाइस। देख सकते हैं सिर्फ इतनी प्रोसेस आपको याद रखनी है गाइस, इसका आगे भी है। फिर दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको अपने फाइल मैनेजर में जाना होगा गाइस, मैं फिलहाल ZRCR में जाता हूँ। फिर दोस्तों आपको कहाँ पे जाना होगा, अपने डिवाइस मेमोरी में जाना होगा गाइस। फिर आपको बैकअप्स नाम का एक फोल्डर मिल जाएगा, ये रहा दोस्तों बैकअप्स, उस पर आपको जाना होगा और वहाँ पे ऐप्स मिल जाएगा फर्स्ट, उस पर जाना होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारी ऐप आ जाएगी पफिन, मतलब आपने जो भी ऐप की थी उस पर आपको डबल लॉन्ग क्लिक करे रखना है और वहाँ पे आपको रीनेम करना है दोस्तों। और रीनेम के बाद दोस्तों पीछे जो .apk है उसकी बजाय आपको सब कुछ इरेज करके .txt कर लेना है गाइस, देख सकते हैं आपका जो नेम का ऐप का नेम है वो और .txt गैस देख लीजिए, APK रखोगे तो आपका सेंड नहीं होगा इसलिए .txt, फिर आपको ओके कर लेना है। तो दोस्तों एक .txt फाइल बन जाएगी गैस। अब सबसे मेन बात आती है, अब आपको दोस्तों जाना है फिर से अपने सॉरी फाइल मैनेजर में। फिर दोस्तों जहाँ पे आपने वो .txt मतलब कि हमारी APK फाइल रीनेम करके जहाँ पे रखी थी उसमें जाना है और आपकी .txt मतलब कि APK फाइल को आपको शेयर करना है गाइस। देख सकते हैं यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आ रहा है और वहाँ पे आपको WhatsApp पे जाना है गाइस, WhatsApp पे, और वहाँ पे आपको जिसको भी सेंड करना होगा गाइस आपको उसी मतलब उसी का नाम लिख के आपको जिसको भी सेंड करना होगा उस पर क्लिक करके यहाँ पे राइट पे क्लिक कर लेना होगा। फिर दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पफिन डॉट मतलब आपका जो भी ऐप होगा वो सेंड होना चालू हो जाएगा गाइस और धीरे धीरे आप करके आपको सेंट हो जाएगा। अब दोस्तों बात रहती है कि आपको ऐप कैसे इंस्टॉल करना है, तो दोस्तों अब मैं आपको दूसरी फ़ोन की फुटेज दिखाऊंगा, आप देख लीजिए ध्यान से। तो यहाँ पे मैं मेरे दूसरे फ़ोन में आ गया हूँ गाइस। तो यहाँ पे मैं जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे पफिन का एक .txt फाइल मेरे को सेंड हो गया है जो मैंने अपने पहले फ़ोन से किया था दोस्तों। तो देख सकते हो अब ये डाउनलोडिंग हो रहा है गाइस, तो जब ये डाउनलोडिंग होता है तब तक के लिए मैं ये प्रोसेस फास्ट कर लेता हूँ गाइस। तो यहाँ पे दोस्तों आप थोड़ा वेट कर लीजिए, अब ये डाउनलोड होने ही वाला है गाइस।
तो यहाँ पे दोस्तों आप जैसा देख सकते हैं अब ये डाउनलोड हो गया है गाइस। अब आपको जाना है अपने फाइल मैनेजर में, मैं जाना हूँ जेड आर्चियोर में गाइस। तो आपको अपने फाइल मैनेजर में जाना है, नीचे नीचे जाना है और वहाँ पे आपको एक फोल्डर मिल जाएगा जिसका नाम होगा व्हाट्सअप। देख सकते हो दोस्तों व्हाट्सअप, आप आपको उस पर जाना है दोस्तों, व्हाट्सअप पर जाना है और उसके अंदर मीडिया नाम का फोल्डर होगा उस पर जाना है गाइस। फिर आपको देख सकते हैं दोस्तों फोर्थ फोल्डर मिल जाएगा व्हाट्सअप डॉक्यूमेंट्स, तो दोस्तों उस पर जाना है गाइस। तो मैं आपको दिखा देता हूँ व्हाट्सअप डॉक्यूमेंट्स, उस पर आपको आपकी मिल जाएगी गाइस की आपको क्या है। तो देख सकते हैं पफिन डॉट टी एक्स टी मतलब आपकी गेम की नाम होगा गाइस। तो उस पर आपको क्लिक करे रखना है गाइस, एक बार देख लीजिए ये वाली, उस पर आपको क्लिक करे रखना है और फिर आपको नीचे जाना है और वहाँ पे दोस्तों एक रीनेम का ऑप्शन आ गया होगा दोस्तों, मतलब आपको इस फाइल को सिंपली रीनेम करना है और जो हमने पीछे डॉट टी एक्स टी लगाई थी गाइस देख लीजिए उसे आपको इरेज कर लेना है गाइस। और आपको क्या करना है फिर से डॉट ए पी के, तो देख लीजिए गाइस, देख लीजिए डॉट ए पी के और फिर आपको उस पर क्लिक करना है और फिर आपको ओपन या फिर इंस्टॉल जो भी ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। तो देख सकते हैं अब ये इंस्टॉल हो गई है गाइस। तो बस यार मैं यहाँ पर भी वीडियो एंड करने वाला हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे अमेजिंग एप्स गेम्स और एक्स की वीडियो लाता रहूँगा गाइस।